तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज ये मेरा पार्सल आ गया है जो क्राफ्ट सीड की तरफ से है। ये देखिए क्राफ्ट सीड की मार्किंग भी की हुई है इस पर। और ये जो पार्सल है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें कैसे टोल निकलते हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें ये ऊपर ही ऊपर बिल देखने को मिलेगा, तो मैं बिल को साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद ये दो बॉक्स मिलेंगे, तो मैं दोनों बॉक्स को निकाल लेता हूँ और वन बाई वन करके इसकी बात करूँगा मैं। तो फर्स्ट बॉक्स में ये खाली बॉक्स था और इसमें ये टूल बॉक्स है, तो मैं एक एक करके इन सब की बात करता हूँ। और देखिए बाकी इस बड़े वाले बॉक्स में कुछ नहीं है, तो मैं सबसे पहले इस कार्टून वाले बॉक्स को खोल लेता हूँ, फर्स्ट वाले को। तो हमारे इस कार्टून बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक का बॉक्स निकला है जो क्राफ्ट सीड की तरफ से ही है। ये देखिए इस पर क्राफ्ट सीड की मार्किंग भी है, और ये देखिए पकड़ने के लिए यहाँ पे हैंडल भी बना हुआ है एक। तो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक का बॉक्स है इसमें, और क्राफ्ट सीड की मार्किंग की हुई है और गार्डनिंग टूल के बारे में लिखा हुआ है सारा, आप जब भी मंगाए तो इस पर देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा मटेरियल है और इजीली ओपन भी हो जाता है, तो जब भी आप इसको मंगाएंगे तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह। तो मैं नेक्स्ट बॉक्स की बात करता हूँ अब। तो हमारा जो सेकंड बॉक्स आया था उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और एक एक करके सारे टूल में दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट जो टूल है उसका नाम है स्मॉल ट्रोवल है, ये छोटा ट्रोवल आता है। और सेकंड है जो ये कल्टीवेटर बोलते हैं इसे, ये देखिए, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और ग्रिप भी अच्छी है इसकी। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट टूल दिखाता हूँ आपको। ये इससे बड़ा ट्रोवल है जो पहले दिखाया था मैंने, इससे इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं सभी साइड से आप, तो काफ़ी मजबूत भी है ये। तो नेक्स्ट जो टूल है उसका नाम है वीडर, और वीडर नाम से ही समझ गए होंगे कि ये वीड्स को हटाने के लिए काम आता है। और देखिए इस पर क्राफ्ट सीट के हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप इन पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए नीचे नंबर है, और ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और आसानी से आप वीड्स को हटा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टूल बताता हूँ आपको कौन सा है इसमें। नेक्स्ट जो टूल है वो है हैंड फोर्क, ये गार्डनिंग फोर्क भी बोलते हैं इसे, और ये जो हमारे कांटे वाली चम्मच आती है उसकी तरह लगती है और काफ़ी मजबूत भी है ये। तो मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट जो टूल है ये है प्रूनर, तो इससे हम कोई भी जो प्लांट है उनको प्रून कर सकते हैं, जैसे विंटर में हम प्रून करते हैं। और नेक्स्ट ये हैंड ग्लव्स हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैंड ग्लव्स हैं, ये देखिए। और मैं सभी साइड से दिखाता हूँ आपको, कहीं भी फटे हुए नहीं है। कहीं की शिकायत आती है कि ख़राब मटेरियल आते हैं कभी ऑनलाइन मंगाते हैं, तो ये देखिए इसमें रबड़ भी है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है सभी को। मैं यूज़ करके दिखाऊँगा आपको, आगे वीडियो पर बने रहिए। ये देखिए किसी साइड से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और नेक्स्ट जो टूल है वो है गार्डन सीजर, तो ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी बड़ी भी है ये, और ये मल्टीपल पर यूज है, ये देखिए आप इसमें बने हुए। तो मैं इन सभी का यूज़ बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। और जो लास्ट जो है ये सीड निकले इसमें, ये जीनिया और ब्रोकली के सीड हैं, तो और बाकी बॉक्स में कुछ भी नहीं है। ये देखिए जीनिया, ये देखिए क्राफ्ट सीड की तरफ से ही आता है, ये भी जीनिया का सीड है और इसमें ये ब्रोकली का सीड है, ये देखिए ये भी क्राफ्ट सीड की तरफ से आता है ये। तो इन सभी को मैं अलग अलग एक एक करके बताऊंगा इनका वर्क क्या है। तो मैं आपको गिनवा देता हूँ क्या क्या इसमें आइटम निकला। ये प्रूनर है और ये सीजर, ये कार्ड आता है इसमें, और ये ग्लव्स हैं, ये फोर्क, विडर, ये ट्रोल, ये बड़ा ट्रोल है, और ये कल्टीवेटर। तो कुल मिला के इसमें 9 से 10 आइटम है, साथ में एक प्लास्टिक का बॉक्स भी है इसमें। तो मैं सभी को बताता हूँ ये क्या क्या काम आते हैं। अब
तो सभी जो टूल हैं उनके बारे में एक एक करके बताऊंगा आपको। तो सभी टूल मैंने लाइन से लगा दिए ताकि आपको अच्छे से बता सकूं। तो सबसे पहले मैं हैंड ग्लव्स को बताता हूं कैसे इसका यूज़ होता है और क्या काम आता है ये। तो देखिए, इसके एक साइड है जो पैराफिन मोम की परत सी लगी हुई है ताकि जो मिट्टी है वो पानी में भिगी हुई हो तो इसके अंदर ना जा सके पानी। तो पहले मैं इसको पहन के दिखाता हूँ आपको कैसा इसका फीलिंग है इसकी। तो काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी ग्लव्स की, और रबड़ भी दिया हुआ है तो जल्दी से निकलेगा नहीं बाहर ये। मैं दूसरा भी पहन के देख लेता हूँ। और काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी ग्लव्स की। कलर है जो लेडीज़ का यूज़ करने वाला ज़्यादा लग रहा है, सिंपल होता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो देखिए, काफ़ी अच्छी इसकी जो उस मटेरियल है इस पर जो मोम की परत लगी हुई है। तो मैं आगे इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कैसे इसको यूज़ करना है, और जो मिट्टी से जो आपके हाथ वगैरह ख़राब होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो ग्लव्स को टेस्ट करने के लिए मैंने बर्तन में मिट्टी ले ली है थोड़ी अलग से, तो मैं इनको चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो इस पर जो मोम की परत लगी है उससे आपके अंदर तक हाथ ख़राब नहीं होंगे, मिट्टी अंदर तक नहीं लगेगी और उनको स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डेली गार्डन में यूज़ लेते हैं हाथ को, तो उनकी स्किन वगैरह ख़राब नहीं होगी दस्ताने पहनने के बाद, क्योंकि इसमें ज़रा सी मिट्टी नहीं जाती। तो मैं आपको उतार के दिखाता हूँ ये दस्ताने। ये देखिए, एकदम हाथ क्लीन रहता है। जिनको स्किन प्रॉब्लम होती है मिट्टी के कारण वो नहीं होगी। जब भी आप इसको मंगाएंगे तो आप इसको पहन के अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है हमारा, ये है प्रूनर। तो प्रूनर तो आप अच्छे से जानते ही हैं और आप देख के समझ भी गए होंगे प्रूनर क्या काम आते हैं। तो मैं इसको निकाल के बाहर दिखा देता हूँ, इसका जो मटेरियल, इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो ये देखिए, अगर आप इसको अलग से मंगाएंगे तो कम से कम 200 से 250 रुपए का पड़ता है ये, और अगर टूल के साथ में लेंगे तो आपको ये सस्ता मिलेगा। तो इसका लॉक मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है। देखिए, काफ़ी इसकी अच्छी ब्लेड है और इसकी जो कटर की ब्लेड है वो काफ़ी शार्प है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाता हूँ इसको। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमें मिला इस टूल के अंदर। तो मैं अब दिखा देता हूँ आपको इसको कैसे यूज़ करना है इसको। तो ये देखिए, हमारी छोटी जो टहनियाँ होती हैं उनको काटने के लिए प्रूनर काम आता है। तो मैं इसको कट करके दिखाता हूँ और इसकी शार्पनेस ये देखिए, आसानी से जो भी है टहनियाँ वो कट जाती है। तो जब भी आप इसको मंगवाएंगे तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, और सर्दियों के अंदर तो प्रूनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, काफ़ी शार्प है ये। तो नेक्स्ट जो टूल है वो है सीजर, और ये गार्डन सीजर आपके बहुत काम आती है जब हम छोटी मोटी पत्तियों या डेड लीफ को हटाने के लिए काम आती है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे को टूल में कोई ये टूल पसंद आया तो इसमें ये सीजर ही है। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज सीजर है। तो मैं इसको, इसकी कटिंग दिखाता हूँ आपको ये क्या कुछ कट कर सकती है। तो सबसे पहले जो कार्ड आता है मैं उस पर यूज़ करके देखता हूँ इसको। तो ये देखिए, इस कार्ड को कट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, काफ़ी शार्प इसकी जो ब्लेड है और काफ़ी अच्छे स्मूथली चलती है इस पर। ये देखिए, तो काफ़ी शार्प है ब्लेड इसकी सीजर की। तो काफ़ी शार्प ब्लेड है, ये देख सकते हैं आप, उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं बताता हूँ इसका क्या क्या यूज़ है। तो बीच में जो ये बने हुए हैं इसमें वॉलनट या अखरोट जो होता है उसको तोड़ने के काम आता है ये। और इसके ऊपर जो ये नुक बना हुआ है ये आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करने के लिए काम आता है, जो कांच की बोतल होती है उनको ओपन करने के काम आता है। और ये छोटा सा जो खड्डा बना हुआ है ये वायर वगैरह को कट करने के लिए काम आता है। तो देखिए, मल्टीपर्पज़ यूज़ जो सीजर है और टूल के अंदर काफ़ी अच्छा ये टूल है इसमें। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ ये क्या और क्या काम आता है गार्डन के अंदर। तो ये छोटी जो वाइन की जो लीफ है उनको कट करने के लिए, जो छोटी पतली टहनियाँ आती है उनको कट करने के लिए काम आती है ये, और जो डेड लीफ होती है उनको आसानी से हटा सकती है ये। तो देखिए, काफ़ी शार्प है और काफ़ी आसानी से स्मूथली ये कट करती है पौधों को। तो आगे के टूल दिखाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो पे आएँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आगे कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और वीडियो आपको अच्छी लगे और आप आगे शेयर करना चाहते हैं तो उस शेयर के बटन पर आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो। और कोई सजेशन देना हो तो मेरी वीडियो पर आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको हाथों हाथ रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इन सभी टूल में सबसे ज़्यादा टूल आपको कौन सा अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो कंपनी ने हमें जो नेक्स्ट आइटम दिया है इसमें ये दो सीड हैं, एक ये ब्रोकली का सीड है और एक जीनिया का सीड है। ब्रोकली यानी कि वो हरी कलर की जो गोभी आती है उसके सीड्स हैं ये, और जीनिया फ्लोर प्लांट है जो समर में ग्रो कर सकते हैं, और ब्रोकली को हम सितंबर से नवंबर में ग्रो कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है उसका नाम है वीडर। वीडर मतलब कि जो वीड्स है उनको निकालने के लिए, जो वीड्स वो खरपतवार बोलते हैं उनको निकालने के लिए। और काफ़ी शार्प टूल है, इसके दो आगे नुकीले सिरे हैं जो जिनसे हम वीड को बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ वीड्स को कैसे बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए हमारे जो बथुआ नाम की जो वीड है वो लगी हुई है इसमें, तो इसको निकालने के लिए हम वीडर जैसे टूल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आसानी से और रूट के साथ में बाहर निकल जाती है। अगर रूट इसके अंदर रह जाती है तो ये वापस ग्रो होने का इसमें चांस रहता है। तो देखिए एक और वीड लगी हुई है, तो मैं इसको भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये आसानी से इससे वीड से जो वीडर है इससे निकल जाती है, ये देखिए। तो बस ऐसे ही वीडर का यूज़ कर सकते हैं आप, और जो नुकीले सिरे हैं इनसे जो किसी भी कोने में जाके किसी भी वीड को निकाल सकते हैं। और साथ में मिट्टी को सॉफ्ट करने के काम भी आता है, ये देखिए साहब ऊपर की जो मिट्टी है उनको सॉफ्ट करने के लिए, ताकि जो हम न्यूट्रिशन वाला पानी या कुछ भी हम दें इसमें तो वो आसानी से जो है प्लांट के अंदर तक चला जाए। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है उसका नाम है कल्टीवेटर। और कल्टीवेटर के आगे ये तीन नुकीले सिरे होंगे जो बेंड होंगे 90 डिग्री पे। तो ये बड़े एरिया में जो हमारी जो घास होती है उसको हटाने के लिए काम आता है। तो मैं देखिए इसको हटा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसमें भी बहुत सारी वीड्स उगी हुई है, तो ये पोर्चुलर टाइप की वीड है। तो बड़े एरिया में वीड को हटाने के लिए ऐसे टूल का यूज़ कर सकते हैं अपन, और इसको मिट्टी सॉफ्ट करने के लिए काम भी आता है। ये देखिए काफ़ी आसानी से जो ऊपर घास लगी हुई होती है उसको आसानी से हटा सकता है। ये देखिए सारी जो बड़े एरिया में घास को हटाने के लिए ये कल्टीवेटर का यूज़ होता है। तो आप भी जब भी मंगाएं तो ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं, और मिट्टी को सॉफ्ट भी कर सकते हैं इससे, और बड़े एरिया में जो घास हटाने के लिए काम आता है उसके लिए कल्टीवेटर का यूज़ होता है। तो ये देखिए काफ़ी आसानी से सभी घास को ये हटा सकता है आसानी से, और काफ़ी अच्छी मटेरियल से बना हुआ है, तो आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रिप भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट जो टूल है उसका नाम है ट्रोवल। ये बड़े साइज का ट्रोवल है। तो ये हमें जो खाद वगैरह है उनको बिना हाथ को लगाए हुए इसको मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह डालने में काम आता है। तो इससे हमारे हाथ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आसानी से दूसरी जगह मिट्टी जो ट्रांसफ़र करने के काम आता है। तो ये देखिए मैंने घर पे ये खाद बनाई थी, तो उसको डालने के ये ट्रोवल काम आएगा। तो ऐसे ही जो गमलों में खाद वगैरह डालने के लिए ट्रोवल काम आता है। ये देखिए, तो आपको हाथ लगाने की, हाथ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिट्टी के अंदर, तो उसी का ये ट्रोवल काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है उसका नाम है स्मॉल ट्रोवल। क्योंकि जो पहले वाला ट्रोवल था वो बड़े साइज का था, इसलिए इसको स्मॉल ट्रोवल बोल देते हैं। तो इसका काम भी थोड़ा डिफरेंट है। पहले वाला जो ट्रोवल था उसका काम था एक जगह से खाद ट्रांसफ़र करना दूसरे जगह, लेकिन इसका कुछ काम है वो अलग है, मैं आपको बताता हूँ क्या काम है इसका। जैसे ये मेरे पास ये गमला है, तो इसमें मिट्टी है, तो इसमें ये खड्डा बनाने के काम आता है। तो ये बाहर मिट्टी को निकालने के काम आता है जो स्मॉल ट्रोवल है, क्योंकि आगे से ये नुकीला होता है, तो इसको गड्ढा खोदने के काम आता है, ताकि इसमें जो दूसरा प्लांट अगर ट्रांसफ़र करें तो उसके लिए गड्ढा बना सके। तो यही इसका काम है। तो इसी तरह से ये स्मॉल ट्रोवल है जो गड्ढा बना के और दूसरे प्लांट को इसमें ट्रांसप्लांट करने के काम आता है। तो इसी तरह ये सारी मिट्टी जो हटा देता है ट्रोवल, क्योंकि आगे से ये नुकीला है इसलिए इसको मिट्टी हटाने के काम में ज़्यादा लिया जाता है। तो नेक्स्ट जो टूल है हमारा उसका नाम है गार्डन फोर्क। और गार्डन फोर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो आगे तीन नुकीले सिरे हैं इसकी वजह से ये हमारे जो खाने वाला चम्मच होता है कांटे वाला, तो उसकी तरह दिखता है, इसके लिए हमें इसे गार्डन फोर्क बोलते हैं। तो इसका जो यूज है बड़े एरिया की जो मिट्टी है उसको सॉफ्ट करने के काम आता है। तो मैं देखिए दिखाता हूँ आपको। जैसे ये गमले के अंदर मिट्टी है और ये काफ़ी आगे से बड़ा है इसका एरिया, तो ये काफ़ी बड़े एरिया की जो मिट्टी है उसको सॉफ्ट करने के काम आता है। तो देखिए काफ़ी आसानी से बड़े एरिया की मिट्टी को जो सॉफ्ट कर देता है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिट्टी को जो अच्छे से सॉफ्ट कर देता है, ताकि जो हम न्यूट्रिशन इसको ऊपर से देते हैं प्लांट को वो अच्छे से नीचे चले जाए इसके रूट के पास में। और ये देखिए जो पत्थर वगैरह होते हैं उनको भी अच्छे से ब्रेक कर सकता है, काफ़ी मजबूत होता है ये। तो बस इसीलिए इसको मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए इस टूल का यूज़ करते हैं, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो आसानी से इसके रूट के पास चले जाएँ।
तो जो सारे टूल मैंने इसमें निकले थे वो मैंने आपको अच्छे से यूज़ करके दिखा दिया है। तो इसके ऊपर जो मिट्टी है उसको क्लीन करेंगे और उसके बाद इस बॉक्स में मैं आपको डाल के दिखाऊंगा कि ये सारे टूल इस बॉक्स में आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फोर्क को लेता हूँ और इसके ऊपर जो मिट्टी है उसको कपड़ा लेंगे हम, इसको पानी से भिगो के इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी काम है ये, क्योंकि इसके ऊपर जो रस्ट लगा हुआ था वो अगर हम नहीं हटाएंगे तो इसके जो टूल है आपके उस पर जंग लग जाएगा। तो इसको ऐसे ही गीले कपड़े से हम इसको सारे टूल को इसको साफ़ कर लेंगे। तो जब तक मैं इन सारे टूल को अब मैं साफ़ करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक के बटन पे दबा दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। और कोई भी मेरे को सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई हाथों हाथ देने की कोशिश करूँगा। तो इन सारे टूल को ऐसे ही साफ़ करके रखना है हमें। तो मैं आगे जल्दी वीडियो को स्किप कर देता हूँ, उन सभी को साफ़ करता हूँ, उसके बाद आपको मैं बॉक्स के अंदर रख के दिखाता हूँ उन सारे टूल को। तो सारे जो टूल है मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो रखने का सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले प्रोनर, उसके बाद ये सीजर, और उसके बाद जो मेन टूल है जैसे ये ट्रोल हो गया, ये बड़ा वाला ट्रोल हो गया। तो ऐसे ही सीक्वेंस रखेंगे तभी ये सारे टूल अच्छे से इसमें फिट होंगे, नहीं तो ये ऊपर रह जाएंगे और आपका जो कवर है वो बंद नहीं होगा। उसके बाद ये कल्टीवेटर आ गया और लास्ट में जो फोर्क बचा है वो फोर्क डाल देंगे इसके अंदर, और उसके बाद जो हैंड ग्लव्स है वो डालेंगे इसमें। और हैंड ग्लव्स थोड़े गंदे हो रखे हैं तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। तो ऐसे लास्ट में हैंड ग्लव्स रखने हैं, और जो सीड्स वगैरह बचे हैं वो भी इसमें अगर रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। और उसके बाद ये कवर आसानी से बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो टूल हैं वो एकदम सीक्वेंस वाइज जचेंगे, तभी इसमें सही से बंद होगा इसका जो बॉक्स है ऊपर का। ये देखिए मैं बॉक्स ऊपर बंद करके दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसे सिक्वेंस से जचाएँगे अगर टूल तो तभी बॉक्स बंद हो पाएगा। और ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है ऊपर जो आपको दिया हुआ है टूल रखने के लिए। ये देखिए मैं सभी साइड से दिखा देता हूँ, और जो ऊपर का बॉक्स का जो कवर है वो इतना पूरे अच्छे से बंद नहीं होता है, तो ये बात आप ध्यान रखें अगर जब भी इसको मंगाएं। तो मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ, और देखिए पकड़ने के लिए ग्रिप भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छा बॉक्स है, और उस पर ये क्राफ्ट सीड की है जो मार्किंग की हुई है, और इस पर सारा गार्डन का जितना भी टूल है और लिखा हुआ है इस पर। धन्यवाद।